तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कान्वीटेक में। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं LG रिमोट कंट्रोल एयर कंडीशनर का जो रिमोट कंट्रोल है 2024 का, उसके सारे फंक्शन सारे बटन्स हम डिटेल में चेक करने वाले हैं, कौन से बटन का क्या यूज़ होने वाला है सारा कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में। और दोस्तों, 2024 के लाइनअप्स आ गए हैं और उसके ऊपर हमने वीडियोस भी बना दिए हैं, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे LG रिमोट कंट्रोल गाइड, और अगर LG एयर कंडीशन 2024 अगर आप परचेस करने वाले हैं तो वो भी बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पर जाके आप उसे परचेस भी कर सकते हैं। इस LG के रिमोट कंट्रोल में हम टाइमर टाइम कैसे सेट करेंगे, क्लॉक कैसे सेट करना है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, फर्स्ट बटन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, इससे आप एयर कंडीशनर को स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे स्विच ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इस बटन की मदद से। उसके बाजू में यहाँ पे अगर आप देखने जाएं तो अप और डाउन, टेम्परेचर अप या डाउन का बटन आपको देखने को मिल जाएगा पावर बटन के नीचे की साइड, जहाँ से आप अपना टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो टेम्परेचर ऐसे आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड पर एक बटन देखने जाएं तो कंफर्ट एयर लिखा हुआ है, ये मल्टी फंक्शनल बटन है। तो जैसे ही आप कंफर्ट एयर का बटन पुश करते हैं तो जैसे ही फ्लैप आप देख सकते हैं ऊपर की साइड चले गए। तो कंफर्ट एयर का काम यह है दोस्तों कि फ्लैप ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आपको एक शावर कूलिंग देता है, डायरेक्ट कूलिंग नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्ट कूलिंग होने से क्या होता है, कभी कभी रात में आपको ठंड ज़्यादा लग सकती है, तो आप कंफर्ट एयर का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेकंड टाइम इसे दबाएंगे तो आपका जो नॉर्मल फ्लिप है जो आपने रखा हुआ है, या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्विंग, वो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे सेम बटन अगर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है वाईफाई का, अगर आपके एयर कंडीशन में वाईफाई है, वाईफाई एनेबल है, तो इसे आप 3 सेकेंड होल्ड करके वाईफाई जो अपना एयर कंडीशन में है उसे आप ऑन कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 सेकेंड जैसे ही होल्ड किया तो आपके एयर कंडीशनर में वाईफाई का सिग्नल आ गया है, यानी आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कैसे आपको एयर कंडीशनर को वाईफाई से कनेक्ट करना है LG के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही सेकंड टाइम आप इसे 3 सेकेंड होल्ड करेंगे तो ये वाईफाई जो है बंद हो जाएगा, यानी वाईफाई आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरे बटन्स की बात की जाए तो साइड में आपको लाइट्स ऑफ का बटन मिल जाएगा, वे ये भी एक मल्टी फंक्शन बटन है। जैसे आप इसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे LED जो आपको ब्लिंक होता है, यानी आपको टेम्परेचर जो दिखता है डिस्प्ले, वो बंद हो जाएगा, और जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपको फिर से डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक मल्टी फंक्शन बटन है लाइट्स ऑफ का। लाइट्स ऑफ के साथ इसमें आपको म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। म्यूट इस तरह से वर्क करेगा, देखिए दोस्तों, जैसे हम म्यूट का 3 सेकेंड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने भी ऑडियो ऑन कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, म्यूट का ऑप्शन जैसे हमने किया तो यहाँ पे आप जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे आपको एक ब्लिंकिंग का साउंड सुनाई देगा, और इसे जैसे ही हम बंद करेंगे यहाँ पे ऑफ का सिग्नल आ जाएगा, यानी जैसे ही आप रिमोट कंट्रोल के किसी भी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ब्लिंकिंग का साउंड आता है, लेकिन ऑफ़ करने के बाद वो साउंड बंद हो जाएगा, यानी ये म्यूट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर देखने जाए तो यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर में 3 मोड देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कूलिंग मोड पे है एयर कंडीशनर। सेकंड है मॉनसून का मोड, जैसे ही आप मॉनसून में इसे यूज़ कर सके एज अ ड्यू ह्यूमिडिफायर, जहाँ पे आपका ह्यूमिडिफिकेशन होता है वहाँ पर आप मॉनसून का जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ़ैन, नॉर्मल फ़ैन की तरह भी आप एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंप्रेसर बंद हो जाएगा और फ़ैन मोड पे ये चला जाएगा, और नॉर्मली ड्राई मोड भी आप बोल सकते हैं इसे। तो ये 3 मोड हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ैन स्पीड का ऑप्शन है। फैन स्पीड में आप इसका जो ब्लोअर का स्पीड है वो उसे आप हाई, मीडियम, लो या ऑटो पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो है, फिर मीडियम होगा, और उसके बाद हाई, और उसके बाद आप ऑटो मोड पे भी आप इसे फैन स्पीड को चला सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट 6-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स। तो यहाँ पे कन्वर्टिबल मोड्स भी आप एक ही बटन के थ्रू चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हम जैसे ही पुश करते हैं तो यह फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है 80%, 60%, 40% और
ये आपका नॉर्मल मोड है। इसके बाद अगर आप पुश करेंगे तो ये APRI यानी ये AI मोड है, जो ऑटोमेटिकली आपका कूलिंग एडजस्ट करेगा, आपका इंडोर और आउटडोर का टेम्परेचर जो है मेंटेन करेगा। तो ये आपको AI मोड ही समझना है, ये ऑटोमेटिकली ब्लोअर है, फैन स्पीड है, मोड्स है, ये चेंज करके ऑटोमेटिकली आपको एक एम्बिशियस कूलिंग देगा। इसके बाद यहाँ पे आपको विराट मोड का भी ऑप्शन मिलेगा। विराट मोड यानी इसका हाई कैपेसिटी मोड है। जैसे ही आप इसे पुश करेंगे आपको डिस्प्ले में दिखेगा एच, यानी ये हाई कैपेसिटी पे चला गया है। इंस्टेंट कूलिंग मोड भी आप इसे बोल सकते हैं, आपके घर में रूम में लोग ज़्यादा है और आपको एक इंस्टेंट कूलिंग चाहिए या ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे मोड्स आप अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मोड्स 30 मिनट्स या 15 मिनट्स चलेंगे, ये अनलिमिटेड टाइम तक चलेगा। इसके बाद यहाँ पे स्विंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्विंग है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके एयर कंडीशन में 4-way है तभी ये जो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वाला जो स्विंग है ये आपको नॉर्मली सारे एयर कंडीशन में देखने को मिलेगा, जो कि है वर्टिकल। और अगर हॉरिजॉन्टल स्विंग यानी आपका एयर कंडीशन 4-way है तो ही ये वर्क करेगा। देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए ये आपका जो फ्लिप है वो अप एंड डाउन होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम जैसे ही बटन दबा रहे हैं तो एयर कंडीशनर का जो स्विंग है वो अप हो रहा है, यानी ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इसे ऑटो मोड पे भी चला सकते हैं। जैसे ही आप ऑटो मोड पे करेंगे ये वर्टिकल स्विंग होता रहेगा, ये देखिए और ऑटो मोड पे चला गया। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल स्विंग, अगर आपका एयर कंडीशनर 4-way है तभी ये वर्क करेगा। इसके अंदर के जो फ्लिप होते हैं वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे ही वर्टिकल स्विंग करते हैं ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल स्विंग का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसे भी ऑटो मोड पे चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा एयर कंडीशन, ये रिमोट कंट्रोल का जो डिस्प्ले है वहाँ पे आपको ये दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, आप रूम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के अंदर ही टेम्परेचर मीटर है जो आपका रूम टेम्परेचर सेंस करेगा, और यहाँ पे आप रूम टेम्परेचर और जो एयर कंडीशनर का टेम्परेचर है वो दोनों चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रूम टेम्परेचर। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे की साइड स्विंग स्लीप का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लीप का ऑप्शन ऐसे काम करता है दोस्तों, अगर रात में अगर आप ये स्लीप मोड ऑन करते हैं तो ये स्लीप मोड क्या करता है, आपको एक आवरली टाइमर सेट करना होता है कि कितने आवर का आपको स्लीप टाइमर लगाना है। तो स्लीप मोड आपको जितने भी आवर्स का लगाएंगे तो रात के टाइम क्या होता है, सुबह होते होते आपका बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम होते जाता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्लीप मोड ऑन करेंगे और ये आवरली आप टाइमर सेट करेंगे तो धीरे धीरे यानी पर आवर वो 1 degree टेम्परेचर अप करता जाएगा, यानी रूम का टेम्परेचर आपको ठंडा नहीं लगेगा और सुबह होते होते आपका जो नींद है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है इसका स्लीप मोड। और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ टाइमर दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे टाइमर का ऑप्शन है, फर्स्ट आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑन टाइमर सेट करते हैं तो ऑन और ऑफ टाइमर सेट करते हैं तो ऑफ, जितना भी आप टाइमिंग सेट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो एयर कंडीशनर है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। इसके लिए आपको क्लॉक सेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एयर कंडीशनर में आप अगर क्लॉक सेट करेंगे तभी ये आप एक परफेक्ट टाइमिंग उसे दे सकते हैं। तो आपको क्लॉक भी सेट करना है, तो क्लॉक कैसे सेट करना है वो भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दूसरे फंक्शन देख लेते हैं। देखिए सेट और कैंसिल का भी ऑप्शन है, अगर आप ऑन टाइमर करते हैं और सेट करते हैं तो सेट हो जाएगा और कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं क्लॉक कैसे सेट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइमिंग हमने सेट किया हुआ है 5:18 हो रहा है, तो ये हमने क्लॉक सेट किया हुआ है। तो इसी से आप अपना ऑन और ऑफ टाइमर दोनों कर सकते हैं। तो ये क्लॉक सेट करने के लिए दोस्तों आपको जो रिमोट कंट्रोल के पीछे जो बैटरी से उसे फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा। तो दोनों बैटरीज आपको निकाल देनी है और इसके बाद जो रिमोट कंट्रोल है उसका जो स्क्रीन है वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर बैटरीज निकाल दी है और ये देखिए पूरा ब्लैंक हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वो बैटरीज लगा देंगे। तो यहाँ पे हम फिर से बैटरीज लगा लेते हैं और क्लॉक कैसे सेट करना है ये पूरा मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ।
तो ये फिर से हमारा जो यहाँ पर डिस्प्ले आ गया है, यहाँ पे क्लॉक खाली ब्लिंक हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं, तो क्लॉक ब्लिंक हो रहा है। तो अभी हमें सेट करना है, तो नीचे के साइड जो ये अभी देखिए कितने बजे हैं, 5:20 हुए हैं और 5:20 PM हुआ है। तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन है, जैसे ही आप उसे पुश करेंगे तो यहाँ पे आपको 5:20 तक ले आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल AM आएगा और उसके बाद जो PM का ऑप्शन है, तो आप AM PM अपने हिसाब से चेक करके सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे अभी ये PM हो गया है और 5:20 पर हम यहाँ पे क्लॉक सेट कर देते हैं। ये हो गया है हमारा 5:20 और 5:20 नहीं 5:16 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया है और ये सेट करने के बाद हमारा क्लॉक जो है सेट हो गया है। अब आप इसे ऑन या ऑफ टाइमर जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा रिमोट। तो दोस्तों ये था LG का रिमोट कंट्रोल गाइड 2024 और होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो